यदि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया और आपने सब कुछ ट्रिक अप्लाई कर लिया लेकिन आपका रियल क्रेडिट सर्टिफिकेट नहीं आता है, क्योंकि होता क्या है कि यदि आप आईडी बाई करते हो और आपका अकाउंट लॉक हो जाता है, तो 90% बंदे ऐसे हैं कि जिनका रियल क्रेडिट सर्टिफिकेट नहीं आता है। तो आप क्या करें, कैसे रियल क्रेडिट सर्टिफिकेट लाएँ, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन विदाउट रियल क्रेडिट सर्टिफिकेट लाए भी आप अपने अकाउंट पर आईडी कार्ड सबमिट कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको सर्च बार में सर्च करना है mbasic.fb, जैसे कि मैंने सर्च किया है mbasic.fb। तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको खुल के आएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस लिंक को कर लेना है क्या ऊपर से, जैसे कि मैंने इस पर किया, इस लिंक को आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है, कॉपी कर लेना है, या फिर इस लिंक को यहाँ से ही एडिट कर लेना है। जैसे कि यहाँ से मैं एडिट करने की ट्राई करता हूँ, यदि एडिट नहीं हो पा रहा है तो आपको डायरेक्टली इसको कॉपी कर लेना है। जैसे कि इसको मैंने कर लिया कॉपी, ठीक है, और कॉपी करने के बाद आपको किसी भी जगह पर अपने मोबाइल की किसी भी जगह पर इसको पेस्ट कर लेना है, इसको पेस्ट कर लेना है। और पेस्ट करने के बाद आपको, जैसे कि मैंने इसको कर दिया पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद आपको करना क्या है कि आपकी लिंक इस प्रकार से होगी, तो फिर आपको करना क्या है कि आपको इंट्रो ये दिख रहा है, इंट्रो को कट करके यहाँ पे स्टेपर STEPPER स्टेपर, स्पेलिंग ध्यान से सुन लेना, STEPPER स्टेपर लिख के कर देना, उसको जगह पर कॉपी करना। कॉपी करने के बाद उसी ब्राउजर में आपको जाना है जिसमें आपका अकाउंट लॉगिन है, और फिर इस लिंक को आपको सर्च मारना है। तो जैसे कि मैंने लिंक किया कॉपी, कॉपी करके पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद सर्च मारा, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। तो यहाँ से हो जाता है फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, अब यहाँ से सेकंड स्टेप शुरू होता है। तो आपको फिर क्या करना है, फिर से आपको वहीं कॉपी वाले मतलब कि एडिट वाले सेक्शन में जाना है, तो फिर से यहाँ से अपनी कॉपी कर लेना है लिंक को। कॉपी करने के बाद आपको सेम वही फिर जाना है, आपको फिर से लिंक को क्या करना है, पेस्ट करना है। जैसे कि मैंने लिंक को कर दिया पेस्ट, कुछ इस प्रकार से आपकी लिंक होगी। तो आपको करना है क्या है कि इसमें सबसे नीचे आपको एंड IDR करके दिख रहा है, तो आपको यहाँ से इसको कर देना है कट। कट करने के बाद आपको करना है क्या है कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप स्क्रीन पर मैं ही शो हो रहा है आपको, तो आपको इसी को आपको एंड IDR की जगह पर कट करके इसी को आपको लिखना है। जैसे कि फिर से मैं गया उसी लिंक पर, और फिर उस लिंक पर उसी फेज एंड उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर आपकी यहाँ से बन जाती है एक पूरी लिंक। फिर इस लिंक को आपको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर से आपको उसी ब्राउज़र पे जाना है, और जाने के बाद फिर से आप इस लिंक को सर्च मारोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको करना है नेक्स्ट पर क्लिक, जैसे कि कर देते हैं नेक्स्ट पर क्लिक। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तो आपको थर्ड स्टेप में करना क्या है कि आपको फिर से लिंक को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको फिर से आपको उसी जगह पे जाना है, और आपको फिर से यहाँ पे क्या करना है, उसको कर देना है क्या, लिंक को पेस्ट। जैसे कि मैं लिंक को कर देता हूँ पेस्ट। लिंक को पेस्ट करने के बाद आपको फिर करना क्या है कि यहाँ पर आपका आखिरी स्टेप होता है कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या स्क्रीन पर ही शो कर दूंगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसी लिंक को आपको कॉपी करना है, या आपको इस लिंक को अपने किसी जगह पर लिख लेना है। तो इसी लिंक को आपको कॉपी करना है, कॉपी करने के डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर लेना, और फिर आपको वही जो आप लिंक कॉपी करके लाए थे ब्राउजर से, और उसी में आपको यहाँ टोकन तक का, यहाँ उस वो लिंक जो कॉपी करके आप डिस्क्रिप्शन जो लिंक दिए वो टोकन तक का है। तो आपको जो आप ब्राउजर से लिंक कॉपी करके लाए थे, तो उसको टोकन तक पे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, या क्या कट करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है, और फिर से यहाँ पे आपकी ये पूरी लिंक बन जाती है। और पूरी लिंक बनने के बाद इसको सर्च बार में जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली अपलोड एंड ID का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से आप अपनी आईडी कार्ड को सबमिट कर सकते हो। देखिए अपलोड एंड आईडी का ऑप्शन आ गया, मैंने जैसे कि जीमेल एड्रेस को फिल किया, और फिल करने के बाद कंफर्म किया, कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट किया, तो यहाँ पर देखिए चूज फोटो का ऑप्शन आ जाता है। ये इस ट्रिक से आप जैसे कि आपके अकाउंट पर गेट कोड का ऑप्शन आ रखा है और आपके पास वो नंबर नहीं है, या आपके अकाउंट पर गेट कोड बाई जीमेल का ऑप्शन आ रखा है आपके पास वो जीमेल नहीं है, तो आपके आप इसके मैटर के थ्रू आपको फेक रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम तो सॉल्व होती ही है। आपका क्या होता है कि आपका वो दोनों प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाती है। आपके यहाँ से आप उसकी जगह पे मतलब कि आईडी कार्ड सबमिट करने का ऑप्शन ला सक ले आके आप आईडी कार्ड सबमिट कर सकते हो, और आप अपने अकाउंट को इजीली से रिकवर भी कर लोगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, यदि कुछ आपके डाउट आ रहे हैं या कुछ आपका एरर आ रहा है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट बेस्ट टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, टाटा बाय।